हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटीरियर मास्टर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक 15 फुट बाई 45 फुट के शोरूम को हमने एक ऑफिस में तैयार किया है और उसको तैयार करने में कितना टाइम लगा है, क्या एक्सपेंस आया है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही यूनिक, बहुत ही प्यारा एक ऑफिस हमने यहाँ पर बनाया है। वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ पाएगा कि हम अपने छोटे स्पेस में या बड़े स्पेस में किस तरह से एक ऑफिस को डिजाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंटीरियर मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। जो भी लेटेस्ट वीडियो इंटीरियर से रिलेटेड हम डालते हैं वो आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। दोस्तों, बढ़ते हैं उस ऑफिस की तरफ जो हमने इंटीरियर किया है। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंटीरियर मास्टर में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ टफन लुक में जो हमने ग्लास डोर लगाया है, यानी ग्लास का ही हम लोगों ने आगे पार्टीशंस किया है, यानी मेन एंट्री जो है ग्लास टफन ग्लास के साथ दी है। और इसके नीचे अगर आप देखते हो हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप में हमने यहाँ पे पौड़ी बनाई गई है, क्योंकि हमारी जो बेसमेंट है इसके नीचे और बेसमेंट के ऊपर वाली फर्स्ट फ्लोर पर हम लोगों ने इस ऑफिस को डिजाइन किया है। अब एंटर करते हैं ऑफिस की तरफ। सबसे पहले हमें मिलेगा यहाँ पे एक टफन ग्लास के अंदर हैंडल। ये हमारा 24 इंच का यानी 2 फुट का हैंडल, हमने बेस्ट क्वालिटी का हैंडल यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है। जो भी हम पार्टीशंस करते हैं, जो भी टफन ग्लास की पार्टीशंस होती है, वो 12 mm की ही पार्टीशन हम कामयाब रहती है और वही पार्टीशन करते हैं। ये देखो, एंटर करते हम मिल जाता है यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सा डिजाइन। ये डिजाइनिंग वॉल हमने यहाँ पे तैयार की गई है। इसके बिल्कुल सामने वाला जो हमारा वेटिंग एरिया के सामने इस वॉल को डिजाइन हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही अच्छी डिजाइनिंग यहाँ पे है। देखो, इस डिजाइनिंग के अंदर अगर आप देखते हो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 6 बॉक्स बनाया डिजाइन को, अगर आपने ध्यान से देखा होगा जब आया है, 6 बॉक्स एक साइड हमारे यहाँ पे बने हैं। ये बॉक्स बने हमारे 12 इंच बाई 24 इंच, यानी 12 बाई 24 के ये हमने 6 बॉक्स यहाँ पे निकाले हैं। ये देखिए, हर बॉक्स के अंदर यहाँ पे हम कुछ भी डिस्प्ले यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी अच्छी ट्रॉफी रख सकते हैं, कोई भी अच्छे पिक रख सकते हैं, कोई भी अच्छा डिजाइन यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके बीच वाला जो हिस्सा आप देखते हो यहाँ पे हमने दिया है टीवी यूनिट के लिए जगह। ये टीवी यूनिट्स के लिए, टीवी यूनिट में हमने यहाँ पे एक स्लेप दिया, उसके नीचे 3 आप लाइट देख रहे हो और इसके बिल्कुल नीचे मैगजीन स्टैंड यहाँ पे आ जाता है। और इसके साथ वाली वॉल जो आप देख रहे हो, डिजाइन जो देख रहे हो, ये हमारा है, यानी हमारी 9 फुट की इसकी हाइट है। 9 फुट की हाइट में हमने यहाँ पे 3 बॉक्स दिए हैं। तीनों बॉक्सों में 6 लाइट, 3 लाइट नीचे और 3 लाइट ही हमने ऊपर दिया। इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई हमारी 6 इंच की चौड़ाई, 6 इंच की ही इसकी गहराई है। इसके साथ हमारा ये आ जाता है डोर। ये डोर जाता है हमारा बेसमेंट के लिए, जैसे मैंने बात किया था बेसमेंट की फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने इस ऑफिस को डिजाइन किया है। बिल्कुल सामने ही दोस्तों आ जाता है हमारा वॉशरूम। यहाँ पे हमने हमारे ऑफिस यूज के लिए और हमारे कस्टमर्स के लिए, जो भी हमारा कस्टमर्स यहाँ पे आता है उसके लिए हमने यहाँ पे दिया है एक वॉशरूम। बहुत ही यूनिक सा वॉशरूम है, छोटा वॉशरूम है। करीबन इसका जो साइज की अगर बात करते हैं, करीबन 6 फुट बाई 4 फुट का ये हमारा एक वॉशरूम हमने यहाँ पे निकाला है। और इसके बाहर जो हमने डिजाइन किया है, ये डिजाइन किया है वुड के साथ, MDF वुड के साथ डिजाइन करने के बाद इसे डीको पेंट में इसमें डिजाइन किया है। और उसी डिजाइन के बिल्कुल सामने आ जाता है हमारा वेटिंग एरिया और जो लंबी वॉल हमारी जा रही है, इस वॉल के ऊपर हमने यूज किया है वॉल पेपर। ये देखिए दोस्तों, और ये रिसेप्शनिस्ट टेबल हमारा यहाँ पे लगा है। रिसेप्शनिस्ट टेबल के बिल्कुल बैक साइड में अगर एक सोफा देख रहे हो, 2 सीटर सोफा, यहाँ पे भी हमारे पास वेटिंग के लिए थोड़ा स्पेस मिलता है, तो हमने यहाँ पे इसको भी यहाँ पे वेटिंग एरिया के लिए थोड़ा एक सोफा लगा। अब बात करते हैं सीलिंग की। सीलिंग हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारी गैलरी जाती है, गैलरी की सीलिंग आपने देखी है, ये आ जाती है हमारी वेटिंग एरिया के ऊपर। एक फैन यहाँ पे लिया है, यहाँ पे सीलिंग बिल्कुल प्लेन सीलिंग हमने किया, सिर्फ हमने फैन की जगह पे एक डिजाइन निकाला है। और ये हमारी गैलरी मेन ऑफिस के लिए जाती है, तो यहाँ पे भी एक जाती है। अब आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे ग्लास पार्टीशंस के अंदर जो हमारे चैम्बर्स है, केबिन है यहाँ पे दिया। ये छोटा चैम्बर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। एक चैम्बर हमने यहाँ पे छोटा दिया है ग्लास पार्टीशंस के साथ।
इसका साइज की अगर हम बात करते हैं, साइज हमारा करीबन ये 8 फुट बाई 6 या 7 फुट का हमारा केबिन, छोटा केबिन हमने यहाँ पे हमारे अकाउंट्स के लिए या एक या दो कस्टमर डील करने के लिए हमने यहाँ पे दिया है, जो पार्टीशन दिए है ग्लास के साथ दी है, टफन ग्लास के साथ। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे मेन केबिन या हमारा एमडी रूम या एमडी केबिन्स को है, यहाँ पे हम चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले फ्लोरिंग आप देखते हो, फ्लोरिंग यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग के साथ दिया है। और इसकी बैक वॉल को अगर हम देखते हैं, बहुत ही यूनिक तरीके से हमने बैक वॉल को डिजाइन किया। ये देखो दोस्तों, बहुत प्यारी बैक वॉल यहाँ पे डिजाइन की गई है। देखिए पीछे हम लोगों ने यानी वुड के साथ करने के बाद इसमें हमारा जो पेंट किया गया, डीको पेंट किया गया है, और हमारे यहाँ पे गद्दा टाइप हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक सा डिजाइन बनाया है, जो मैं इस पर वीडियो बना भी चुका हूँ किस हिसाब से बना है। यहाँ देखते दो बॉस चेयर हमारे पास आ जाती है, साथ में एक टेबल आ जाता है, और बड़ा टेबल हमारे पास देखते हैं 3 फुट बाई 7 फुट का टेबल आ जाता है। और जो वॉल हमारी है, इन वॉल के ऊपर सब के ऊपर हमने लगाया है यहाँ पे वॉलपेपर। ये देखिए दोस्तों, वॉलपेपर यहाँ पे किया गया है। और अगर छत की बात करते हैं, छत बिल्कुल प्लेन रहेगी हमारी यहाँ पे, ये देखिए। और टफन ग्लास की पार्टीशन हमारी रहेगी यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको छत के ऊपर भी ले जाता हूँ। ये देखो हमारी जो इसकी सीलिंग है, सीलिंग बिल्कुल प्लेन रही है। एक छोटा सा झूमर हमने बिल्कुल डेस्क के ऊपर, हमारे टेबल्स के ऊपर हमने डाला है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक्सपेंस की और टाइम की, टाइम हमारा करीबन यहाँ पे 2 मंथ के अंदर हमने ये ऑफिस को रेडी किया है। अगर एक्सपेंस की बात करते हैं पूरे ऑफिस को, यानी 15x45 के शोरूम के एक ऑफिस तैयार करने, करीबन हमारा 4.5 से 5 लाख रुपए का हमारा इसके ऊपर खर्चा बनता है, जो हमने इंटीरियर इसके अंदर किया है, जो भी अच्छा डिजाइन किया है। दोस्तों मुझे विश्वास है आपको मेरी हर वीडियो अच्छी लगती है, हर वीडियो को आप प्यार देते रहते हो, इस वीडियो को भी प्यार मिलेगा। और आप किसी भी तरह का इंटीरियर, ऑफिस का, घर का, फैक्ट्री का, कोई भी इंटीरियर एक्सटीरियर करवाना चाहते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा, कोई नवा डिजाइन लेकर। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर यू।